कौन कौन लाइव है? सर, yes, sir. सब लाइव है? यस सर. आज कौन सी क्लास थी हमारी? कंपोनेंट की क्लास थी. कंपोनेंट की क्लास? यस सर. सवेरे क्या क्लास थी हमारी? रिबॉलिंग की थी. सुबह क्लास लगी थी जो रिबॉलिंग की क्लास. यस सर. किसने पहली बार रिबॉलिंग करी यहाँ पर? सबने. यस सर. सबने रिबॉलिंग? यस सर. पहली बार था आपने? पहली बार. इसके पहले करते थे आप? नहीं करते थे. अच्छा, तो ये बताओ किस किसने रिबॉलिंग करी? हमने. सबने करी? कितनी बार करी आपने? पांच बार. तो जैसा आप देख सकते हो कि हमारी जो भी क्लास होती है, हर स्टूडेंट यहाँ पे सारा का सारा डन करता है. आपकी सवेरे की जो क्लास थी कितनी बजे से कितनी बजे तक थी? आठ से. खत्म नहीं हुआ सवेरे की क्लास. सवेरे की तीन शिफ्ट में होना क्लास. यस सर. सवेरे सबसे पहले कितनी बजे? 8 बजे से 11:15 तक हुई थी सर. 8 बजे से 11:15. तो खाना खाने का 2 घंटे का ब्रेक दिया था? 15 मिनट में खाना खा लेते? दस मिनट में खाना खा लिया. और सर के साथ क्लास कब से कब तक थी आपकी? 12 से 5 बजे. किनके साथ क्लास थी आपकी? देव सर के साथ. तो इनको देख के आए थे ना आप यहाँ? इनको देख के आए ना? तो पहला आमना सामना कैसा हुआ सर से आपको? क्या बोलेंगे सर के लिए? थैंक यू सर. अगर ये कंपोनेंट की क्लास अगर अदर इंस्टीट्यूट में जाते और ये क्लास किसी मैडम से मिलती आपको, तो क्या इतना आनंद आ पाता? नहीं सर. मैडम तो अच्छी देखती ना भाई. आना नहीं सर. नहीं सर. कभी नहीं सर. ऐसे नहीं होते सर. एक एक चीज 10-10 बार बताई देव सर ने. सर आनंद आता सिर्फ समझ कंपोनेंट के बारे में भी, कॉइल के बारे में भी, जो भी जो बताया उन्होंने ना, एक एक चीज 10-10 बार बताई. तो आपकी जो कंपोनेंट की क्लास है, वो कंपोनेंट की क्लास 5 घंटे वाली होती है क्या? इतना लंबा कंपोनेंट समझाया सर. खुद कर रहा हूँ. डीप तक समझाया कि नहीं समझाया? एक रजिस्टर से मोबाइल डेड भी होता है, डेड मोबाइल भी ऑन होता है. होता है क्या ऐसा? मालूम पड़ा आपको? सर ने कुछ प्रैक्टिकल करके बताया. तो सर खाली क्या बोर्ड पे समझाते हैं क्या? नहीं. तो सर तो थक जाते होंगे, 2-4 ब्रेक लिए होंगे. नॉन स्टॉप. यस सर. एनर्जी में दम है? यस सर. उनको देख के एनर्जी आती है? यस सर. आती है कि नहीं? यस सर. तो शुरुआत आज की बैच की मैं करूंगा. सबसे पहले थोड़ा आप सामने आइए, बताइए. तो आज आपकी क्लास थी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमें ये क्लास. बहुत अच्छा लगा, जितना हम सोचे नहीं थे उससे कहीं ज्यादा. हमको सर हमको एक एक काम 10-10 बार हमें बताए और सिखाए. कंपोनेंट का नॉलेज कैसा मिला? बहुत अच्छा मिला. कंपोनेंट के बारे में हम जानते भी तक नहीं थे. यहाँ पे आके हमको मालूम पड़ा कि बहुत मतलब. कंपोनेंट की क्लास आपकी 2 भागों में तोड़ी है. यस सर. चाहते तो एक दिन में 4 कंपोनेंट दे सकते. यस सर. यस सर. है ना? तो 2 भागों में तोड़ी, तो यह आपके हित में है कि नहीं है? मेरे हित में है. आपके हित में है ना? जरूर. कल दूसरा कंपोनेंट वापिस, 2 कंपोनेंट जो तुम्हारे बच्चे हैं वो कंपोनेंट होंगे. तो ओवरऑल 5 घंटे की क्लास हुआ. अच्छा, वहाँ 5 घंटे की क्लास मिलती है ना? जी सर. अगर 5 घंटे की क्लास देव सर के साथ मिलती है तो प्रैक्टिकल कितने घंटे का होता है? 8 घंटे. 10 घंटे का होता है. ज्यादा होंगे सर? टाइम लिमिट नहीं पता है. टाइम लिमिट नहीं है सर. टाइम लिमिट नहीं है. आगे सर कोई लिमिट नहीं. तो खाली ये एडमिशन के टाइम बोलते हैं कि ऐसा? नहीं सर, उससे कहीं ज्यादा है सर. एडमिशन के टाइम बोल दिया कि भाई 12 घंटे की, उससे कहीं ज्यादा है सर. उससे भी ज्यादा है. तो आज कितने घंटे हो गए? जैसे 8 बजे आए थे, 11 बजे. 8 बजे गए हुए, 11 बजे हुए. कोई लिमिट नहीं है कब जाएंगे. 15 घंटे. तो तुमको ऐसा थकावा महसूस हो रहा? नहीं सर. तो नहीं महसूस हो रहा, क्योंकि आपको क्या मिल रहा है? नॉलेज मिल रहा है. कोई यूट्यूब वाला नॉलेज मिला क्या? नहीं सर. जो यूट्यूब में देख के देख लिया और आ गया? नहीं मिला. नहीं. चलिए ठीक है. मेरे साथ नेक्स्ट स्टूडेंट है जी. थोड़ा सा नाम बताइए अपना. सुनील कुमार सर, फ्रॉम पंजाब नंगल डैम. सुनील पंजाब से, बहुत दूर से जबलपुर. चाहते तो दिल्ली भी जा सकते थे, जबलपुर आए आप. हाँ जी. तो जबलपुर जो सोच के आए थे, तो वो उम्मीद नहीं सर, जो सोचा था उससे कहीं बेहतर मिल रहा है. जितना सोच के आए थे ना,
उससे ज्यादा मिल रहा है। नहीं बढ़िया रहा, देव सर बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, वो एक एक चीज 20-20 बार 10-10 बार 50 बार भी बताते हैं, वो जितना हो सके उतना बताते हैं और एकदम बिल्कुल शांत तरीके से और प्यार से, नहीं भी समझ आए तो भी बैकअप लेके बार बार समझाते हैं वो। बार और प्रैक्टिकल के टाइम आपको पूरा का पूरा जितने भी आज जो कंपोनेंट हुए पूरा डेप्थ में जानकारी मिली आपको? हाँ सर, वो प्रैक्टिकल भी थ्योरी भी साथ में करवाते रहे, प्रैक्टिकल भी करवाते रहे। अभी जो प्रैक्टिकल जो सर की क्लास के बाद जब आपका प्रैक्टिकल हुआ तो प्रैक्टिकल के दौरान ऐसी कोई चीज की जो आपसे मिस हो गई हो? नहीं सर, नहीं सर, सर उन्होंने समझाया ऐसे था कि मिसिंग होने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, मिसिंग होने का कोई सवाल नहीं बनता। तो कोई ऐसा अभी मैं पूछूं तुमसे कि मोबाइल की कोई सी भी किसी भी दे दूं आपको, वो चाहे क्वालकॉम की हो या मीडियाटेक की हो या सैमसंग की हो, कितनी देर में आप थर्मिस्टर ढूंढ सकते हो? सर ज्यादा से ज्यादा 2-4 मिनट में। 2-4-5 मिनट में ढूंढ सकते हो? समझाते हैं इस हिसाब से दिमाग में तो पड़ ही जाता है ना वो। थैंक यू। मेरे साथ एक और स्टूडेंट जी, नाम बताइए। नाम रोहित नाग। रोहित कहाँ से भाई? वेस्ट बंगाल। रोहित वेस्ट बंगाल से इतनी दूर से जबलपुर आए हैं आप, 3000 किलोमीटर का सफर करके आए। 3000 किलोमीटर ही है ना, तो पहला दिन कैसा लगा आपको? पहला दिन अच्छा लगा सर। सवेरे क्या किया आपने? सवेरे EMMC रिबॉलिंग किया। EMMC रिबॉलिंग करी। इसके पहले करते थे आपने? नहीं करते थे। तो कंपोनेंट की जो देव सर के साथ क्लास थी आपको कैसी लगी? ओ बढ़िया, अच्छा लगा। और उसके बाद जब आपको समझाया सर ने तो वो समझ के जब आप इस क्लास में करने हैं तो प्रैक्टिकल में आपको कोई दिक्कत हुई? ना, दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार की भी दिक्कत परेशानी? सर एक बार में सब हुआ आपका? थर्मिस्टर ढूंढ सकते हो? हाँ सर। ढूंढ के निकाल सकते हो? मेरे साथ एक और स्टूडेंट है सामने आइए जी, नाम बताइए अपना। उमाकांत मेहर। उमाकांत कहाँ से? उड़ीसा। उड़ीसा से। उमाकांत पहला दिन है ना, 3-4 महीने से आने की सोच रहे हो, अब तुम एशिया टेलीकॉम में आए, आपका नंबर लगा और एशिया टेलीकॉम में आए, तो आज पहला दिन कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत ही अच्छा लगा सर, कभी इतने साल से रिपेयर किया था, इतना नॉलेज नहीं था, आज एक दिन में ज्यादा नॉलेज हो गया। एक दिन में कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं? सुबह 8 बजे से। कितने समय से आप इस मोबाइल की फील्ड में? वो 11 साल हो गया सर। 11 साल हो गए, तो 11 साल का नॉलेज बोलू और एक दिन का नॉलेज बोलू तो क्या? एक दिन में ज्यादा हो गया सर। एक दिन में ज्यादा हो गया? हाँ ज्यादा हो गया। बड़ी बात बोल रहे हो। नहीं सर सही बोल रहा हूँ, जो अगर आएगा ना ऐसा टीले में उसे पता चलेगा, उधर यूट्यूब देखने पर कुछ पता नहीं चलेगा। कुछ पता नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। वो यूट्यूब में क्या सीखने के लिए मिलता है, वो यूट्यूब देख देख के मोबाइल बनाते हैं और कुछ नहीं। तो और आज मैं बात करूंगा कंपोनेंट 1 की क्लास थी आपकी, आपको पूरा पूर्ण रूप से समझ में आया? पूरा समझ में आया। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, शमशाद आलम प्यार से। शमशाद ये बताइए, आज पहला दिन एशिया टेलीकॉम में आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा सर। सुबह से अगर मैं रात तक की बात करूं, दोपहर में देव सर के साथ कंपोनेंट की क्लास थी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उसमें? अच्छा सर। अच्छा रहा आपको? तो फिर आप वहां से जब क्लास लेके जब यहां पर प्रैक्टिकल में आए तो आपने पूरी हर चीज़ को समझा यहां पर? अरे रजिस्टर कैपेसिटर रजिस्टर के सारे टाइप, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि थर्मिस्टर ढूंढ के निकाल दो तो निकाल सकते? 3 मिनट में? 3 मिनट में निकाल दो? इतना कॉन्फिडेंस? यस। कॉन्फिडेंस? यस सर। अगर मैं दुनिया की कोई सी भी एमएमसी दे दूँ कि भैया इसको रिवॉल्व कर दो तो रिवॉल्व कर सकते हैं? कर सकते नेपाल से हूँ, रहता हिमाचल में हूँ। अच्छा है, नेपाल से हिमाचल में रहते हो। तो विनोद ये बताओ मेरे को कि आज पहला दिन एशिया टेलीकॉम में कैसा रहा आपका? बहुत कुछ सीखने को मिला, सोचा नहीं था इतना मिलेगा। तो बहुत दूर से भी आया हो तुम? हाँ जी। हिमाचल से आया हो, तो हिमाचल वाला काम यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हिमाचल वाला तो हिमाचल वाली चीजें यहाँ हो रही कि नहीं हो रही, मतलब इतनी दूर से आए आप तो आपको उसका परिणाम मतलब उसका उसका फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है सर, बहुत कुछ। ना चाहते तो बाजू में जा सकते थे, हिमाचल से दिल्ली पास में पड़ता, वहाँ भी मैं गया था पहले, चंडीगढ़ गया था मैं। अच्छा, हाईटेक में गया था मैं वहाँ पे ना। अरे नाम नहीं बोलेगा, चलो। हाँ गया था मैं, का नाम नहीं बोलना। वहाँ पे मैंने 3 महीने लगाए, 3 महीने में इतना कुछ सीखने को नहीं मिला मेरे को जितना मतलब एक दिन में मिल गया मेरे को। जितना एक दिन में मिल गया, क्या टैलेंट है देव सर जैसे टीचर आपको मिले तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया लग रहा है। चलिए ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि बोर्ड से सारे रजिस्टर
और इधर आइडेंटिफाई करके डाल दो तो डाल सकते हो। अगर मैं नाम दे दूं कि हाँ ये लगाना है और इसको आइडेंटिफिकेशन करके ये वैल्यू का लगाना लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर थर्मिस्टर ढूंढने का बोलूँ ढूंढ सकते हैं, ढूंढ लेंगे। हाँ नेक्स्ट वन आइए जी। मेरा नाम सोनू है, मैं बिहार से हूँ सर। बिहार से जी। तो एशिया टेलीकॉम में पहला दिन कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया रहा सर, मैंने सोचा भी नहीं था कैसा होगा, बहुत घबराहट भी हो रही थी जब मैं शुरू में आए थे जी। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरा उम्र 17 है, आधार कार्ड पे 17। आधार कार्ड भी नहीं बना आपका? बना है, 17 साल उस पर दे रखा, बट 18-19 साल हो गया। तो सोनू छोटी सी उम्र में देखो एक बार क्लियर कर दो इसके लिए, या 17 साल की उम्र में ये इस मुकाम पे मतलब आज हमारे साथ में बैठ के काम कर रहा है, तो आप सोचो कि जब ये 3 साल 2 साल या 1 साल मेहनत कर लेगा तो किस लेवल पे जाएगा। सही बात है। पेशेंस को मैं सलाम करता हूँ, बहुत पेशेंस है। घर से पहली बार आया? यस। इतनी दूर? जी बहुत दूर, पहली बार मैंने आया। पहली बार आया? वो भी अकेला। वो भी अकेला, ठीक है। सुनो अब यहाँ पे कोई अकेले तो नहीं हो ना तुम? नहीं, आपके ऐसा लग रहा है सब भाई भाई हैं। भाई भाई है। हाँ। और यहाँ का डिसिप्लिन कैसा है? बहुत बढ़िया है। ऐसा कोई ढीला ढाला डिसिप्लिन है क्या? नहीं नहीं सर, आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? नहीं। तगड़ी सिक्योरिटी है कि नहीं? हाँ सिक्योरिटी तो सही है। और वहाँ हॉस्टल में? वो भी बढ़िया है। हॉस्टल में भी बढ़िया है बस सिक्योरिटी जी। तो आपको होटल चाहिए था कि हॉस्टल चाहिए था? हॉस्टल चाहिए था। हॉस्टल चाहिए था। यस। तो जैसा है वैसा, जैसा होना चाहिए वैसा है कि नहीं है? हाँ सर। और यहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशन है कैसे, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? बहुत बढ़िया रूल्स है, और ये रहना ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। ये थोड़ा शुरू में हमको थोड़ा गलत लगता होंगे, पर बाकी ये रूल सही है कि गलत है? सही है कि नहीं? स्ट्रिक्ट होंगे ना तो ही मिलेगा ना कुछ, है ना? नॉलेज के लिए सही है ना, नॉलेज के लिए सही है। रूल रेगुलेशन तो सर होने चाहिए तो ही आदमी सीखता, अगर नहीं हो ना तो फिर दिमाग भी उल्टी तरफ घूमता रहता बंदे का। बराबर। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, नाम बताइए अपना। सचिन सर, महाराष्ट्र से। सचिन महाराष्ट्र से। सचिन इतनी दूर से जबलपुर मध्य प्रदेश, कैसे भाई? कुछ सर मुकाम हासिल करने के लिए आया सर, क्योंकि मुझे पहली बार समझो मैं दो साल से दुकान पे काम करता है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन अभी समझ में आया, एक दिन में समझ में आया कि थर्मिस्टर क्या रहता है, कैपेसिटर क्या रहता है, एकदम पीसीबी का नजरिया, देखने का नजरिया बदल गया सर मेरा। अभी पीसीबी थोड़ी जानी पहचानी लगती है ना? यस सर। अब क्या होगा, कल का दिन छोड़ के परसों मोहब्बत हो जाएगी आपको, गारंटी। यस सर। मतलब उसके अंदर तुमको ऐसा लगेगा कि यार ये गली है मेरी जानी पहचानी है, जब कोई सी भी पीसीबी उठा के देखोगे ना तो 2 मिनट में ऐसी पहचान दो। यस सर। कंफर्म कंपोनेंट तो आप पहचान नहीं लग जाओगे, कल तक कंपोनेंट पूरे पहचानने लग जाओगे। अब परसों के दिन जब होगा ना तुम्हारा, तुम आईसी भी पहचानने लग जाओगे, आईसी देख के बता दोगे आईसी का ये काम है और इसका ये नाम मॉडल है, अगर मीडिया टाइप में लगी तो आईसी, इस चीज़ की गारंटी है तुम्हारी, ठीक है। तो आज का सफर कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया सर। देव सर के साथ आपकी क्लास थी? देव सर का बोलूँ तो सर वो एकदम हाई लेवल, उनके समझ में नहीं आता है, बहुत कॉन्फिडेंस है उनके पास, और उनका सीखने का तजुर्बा भी बहुत है सर, और समझो क्या बोलूँ तो उसको अपना स्टूडेंट का ये हक्का भी कम नहीं होने देते, वो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कम नहीं होना, कॉन्फिडेंस है उनमें भी, कॉन्फिडेंस है और स्टूडेंट में भी। हाँ सर। तो चलिए ठीक है, हम फिर से लाइव आ गए। तो कि सचिन टोटल अगर सुबह से शाम तक की बोलूँ तो आपको कैसा लगा ऐसे डिग्री का? बहुत बढ़िया सर, 15 घंटे का क्लास चले। अगर मैं बोलूँ कि पीसीबी में से थर्मिस्टर ढूंढ के निकाल दो तो निकाल सकते कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट सर। बहुत निकाल दो, ईजी हो गया आपके लिए। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, आ जाइए, फोन बचाइए। तो थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए, नाम बता दीजिए। राठौर महावीर गुजरात से। राठौर महावीर गुजरात से। भाई गुजरात में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट छोड़ के जबलपुर मध्य प्रदेश देव सर के यहाँ एशिया टेलीकॉम में कैसे? सर वहाँ नहीं मतलब सीखने अच्छा मिलता है। आप कहीं गए थे इसके अलावा? नहीं गए। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए इंस्टीट्यूट से। तो एशिया टेलीकॉम में आपने अगर ज्वाइन किया तो क्या देख के ज्वाइन किया आपने, किसको देखा था जब उसको देख के ज्वाइन करा आपने? देव सर को देखा था। देव सर को देखा था। आज देव सर के जिनको देख के आप आए थे, आज देव सर के साथ पहली कंपोनेंट की क्लास थी आपकी, कैसी रही क्लास आपकी? बढ़िया रही सर, मतलब बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रही, बोल नहीं सकते उसके भी, थोड़ा बहुत कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत मतलब उनका जो एनर्जी लेवल है ना, हाँ हाँ, वो बहुत हाई लेवल है।
अच्छा, उनको कोई पहुंच नहीं सकता सिखाने के मामले में और उनको फोकस करने मामले में। मामले में 28 बंदे बैठे लेकिन 28 बंदों पे उनकी नजर रहती है, 28 बंदों पे नजर रहती है, वो बोल देते हैं भाई बाहर हो जाता है ना। हां भाई ऐसा तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। मेरा नाम इमाम है सर। इमाम कहाँ से हो भाई? कर्नाटक से। कर्नाटक से इमाम, कर्नाटक इतनी दूर से, जबलपुर मध्य प्रदेश, मतलब तुम चाहते तो वहाँ पे लोकल में भी जा सकते थे। हैदराबाद पास में पड़ता है तुम्हारा, तो हैदराबाद छोड़ के जबलपुर आए थे। नहीं सर, बहुत सुना है सर नाम ऐसे डलगा। तो सिर्फ सुना सुना है कि काम भी वैसे ही? नहीं, काम आना के बाद पता चल रहा है। काम भारी है, हल्का है? बहुत जबरदस्त है सर। जबरदस्त है जी सर। तो क्या बोलना चाहोगे, थोड़ी अपनी लैंग्वेज में बोल दो या अपनी भाषा में बोल दो, अगर तुमको हिंदी बोलने में प्रॉब्लम आती है तो अपनी भाषा में जैसा आता है वैसा बोलो। कैसा लगा पहला दिन का? बहुत जबरदस्त है सर, पहले तो नहीं करते थे तो सब जान गए। अगर मैं बोलूं कि कोई सी भी मेमसी आपको दे दूं कि रिवाइव कर लो तो कर सकते हैं? जी सर। कर सकते हैं? और अभी कंपोनेंट पीसी में कंपोनेंट ट्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी सर कर। थर्मिस्टर की बात करूं तो? जी सर, वो भी कर लेंगे। ढूंढे आपने? जी सर। सैमसंग की पीसी, सैमसंग जायरोक्स, जायरोक्स का भी देखा आपने, क्वालकॉम का भी निकाला आपने? जी सर। मीडियाटेक का भी देखा? तो कैसा लग रहा है पहले दिन? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलो बाकी इधर आते जाओ, बाकी इधर आते। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, आ जाओ अंदर आ जाओ। तो जी मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। जी सर, नवीन कुमार। बताइए अपना। नवीन कुमार, मैं बिहार। नवीन कुमार कहाँ से हो भाई? बिहार से हैं सर। बिहार से? जी सर। तो नवीन बिहार से जबलपुर है ना? जी सर। बिहार के आजू बाजू में भी इंस्टीट्यूट है तुम्हारे, फिर जबलपुर आने की आवश्यकता क्या पड़ी आपको और क्या सोच के आए थे जबलपुर? किनको देख के आए थे? यहाँ जो है देव सर को देख के आए थे और देखने के बाद लगा कि जो वीडियो पे देखते थे उसे कहीं ज़्यादा मिला यहाँ पे। जी। तो नवीन कितने साल से काम कर रहे हैं? सर काम तो लगभग 10+ साल से कर रहे हैं। 10+ साल से कर रहे हैं? जी सर। तो 10 साल का अनुभव और आज एक दिन का अनुभव में क्या बहुत अंतर है? बहुत अंतर है सर, पहले कुछ भी नॉलेज नहीं था, समझिए जीरो हैं हम, लेकिन आज जो मिला उसे लगा कि से बहुत कुछ सीखे हैं। अभी लग रहा है कि हम मोबाइल को बना सकते हैं, चालू कर सकते हैं, ऐसा अनुभव हो गया है। अपने आप में खुद में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया सर। क्या बोलेंगे देव सर के लिए और उनकी क्लास के लिए आज की? सर जैसे कि सर का जो एनर्जी है वो देखने के बाद ऐसा लगता है कि व्यक्ति में सर का जो एनर्जी है सर वो कहाँ से लाते हैं ये सोचना मुश्किल है। मुश्किल है जी सर, कि 5 घंटा कोई व्यक्ति अगर कंटिन्यू अच्छा खा रहा है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है सर। अच्छा ये बताओ मेरे को, आपने अपने जीवन में बहुत सारे व्यक्तियों से मिले हैं? जी सर, जी सर, बहुत सारे। दुकानदारी फील्ड से हो, 10 साल से दुकानदारी कर रहे हो, ग्राहक भी आते होंगे, व्यापारी भी आते होंगे, सब आते होंगे, गांव में आप कहीं भी जाते होंगे, तो इनके जैसा बंदा देखा है आपने? नहीं देखा सर, इतना एनर्जी जो है से भरा हुआ व्यक्ति आज तक हम नहीं देखे सर। पहली बार ऐसा लगा कि एकदम मिनटों में काम कर रहे हैं इस तरह से। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम वाल्मीकि मोतिया है, मैं उड़ीसा से हूँ। वाल्मीकि उड़ीसा से? जी सर। वाल्मीकि पहला दिन एशिया टेलीकॉम में, कल काउंसलिंग क्लास भी अटेंड नहीं कर पाए थे, रात को लेट आए थे आप। जी सर, जी सर, जी सर। तो आपका इंट्रो भी नहीं हो पाया था। जी सर। तो आज आपका पहला दिन वाल्मीकि। जी सर। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला एशिया टेलीकॉम में आने के लिए भी, तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ देव सर से कि मुझे लास्ट टाइम में कंफर्म किया टिकट और डिले भी हो गया था, फिर भी उनने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं आ जा बोला, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि सर हर इंसान का वो दिल की बात समझा, वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज पहला दिन था सर के साथ क्लास थी आपकी पहली? बहुत बहुत अच्छा लगा, उनका जो पढ़ाने का तरीका, तो मैं पहले ही इंस्पायर हूँ और बोल रहा हूँ क्या उनके बारे में, और उनका जो जिसको बोलते हैं कि बैटरी बूस्टिंग करते हैं, तो वो एक बूस्टर है जो कि हाई वोल्ट का चार्जर है, चार्जर है सर, जो सोया हुआ बैटरी को भी जगा देते थे। तो ओवरऑल
वेरी नाइस वेरी गुड फैंटास्टिक मतलब ये खाली एक्सपीरियंस तुम्हारा बता रहे हो आज क्लास के साथ सर, लोगों के साथ बैठे हो आप सबका एक्सपीरियंस ही सबका एक्सपीरियंस है कोई ऐसा बच्चा की जो छूट गया हो नो सर नो उसे टास्क नहीं पूरा हुआ हो नो सर सब सब सबका बहुत बहुत अच्छे से किया है कोई टास्क छोड़ा नहीं पाँच पाँच बार दस दस बार सब लोग किया है और हर चीज को एक बारीकी से किया हुआ है जो कि जीरो जीरो लेवल जिसको बोलेंगे एक जमीन के नीचे से निकाल खोद के सिखाया है सबको थैंक यू मेरे साथ एक और स्टूडेंट है मेरा नाम है मिंटू कर्मकार वेस्ट बंगाल से हाँ मिंटू बताइए सर पहली बात तो सुबह 8 बजे से यहाँ पे तो इतनी देर तक है तो सर टाइम का कुछ पता भी नहीं चला अच्छा ठीक है सर और ईमेल से तो मतलब 4-5 बार रिकॉलिंग कर ली पहली बार ही ठीक है सर थ्योरी क्लास कभी भी ऐसी जगह से नहीं होता 5 घंटा लगातार सर हमको भी कुछ पता नहीं चला टाइम का कितना समझ में आया सर अच्छा ये बताओ मेरे को कि किसको टाइम पता नहीं चला आज का सबको टाइम पता नहीं चला सही में सर बोल रहे सुबह 8 बजे से करीबन 11 बज गए समय का कुछ पता ही नहीं चल रहा भूख भी नहीं लगा बोरिंग भी नहीं लगा थकान भी नहीं तो भाई नॉलेज मिल रहा है ना ऐसा है ना ऐसा हमको इस लेवल का नॉलेज मिल रहा है ना और हमको भी देखो अगर स्टूडेंट अगर पढ़ने वाला हो तो हमको देने में मजा आता है सीधी बात बताते हैं आपको है ना तो एक दिन का बोलूंगा तो ओवरऑल मैं लास्ट में ही पूछूंगा आपसे कैसा क्लास आपका सर बहुत बढ़िया रहा और कंपोनेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं ड्रेसिंग में कोई प्रॉब्लम आपको कि कंपोनेंट अगर मैं थर्मिस्टर की बात करूं तो आप ड्रेस कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं एकदम कर सकते हैं चलिए ठीक है मेरे साथ एक और स्टूडेंट है नाम है इनका विक्की वेस्ट बंगाल से हैं ये और ये हमारे मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं इनके बारे में ये 15 फरवरी 2021 ये हमसे ईएमसी पढ़ के गए है ना सर ईएमसी की क्लास लिया था 2021 में और आज 2022 में इनको जरूरत पड़ी तो ये फिर वापस मेरे पास सॉफ्टवेयर हार्डवेयर करने आए हैं आधा कोर्स हम किसी को कराते नहीं चूंकि इन्होंने ईएमसी कर रखी थी हमारे से तो हमने इनको वापस ज्वाइनिंग दी तो विक्की ये बताओ मेरे को पहला दिन हार्डवेयर का वो डबल से वापस एशिया टेलीकॉम में कैसा लग रहा है सर बहुत अच्छा लगा करके तो गए हमको तो पता था कि नॉलेज किस टाइप का है कितना हाई लेवल है उसीलिए हम अपना पैसा जुगाड़ के अपना समय निकाल के आपसे रिक्वेस्ट करके यहाँ पर आए हैं हमको बहुत अच्छा लगा और नॉलेज का जो मिला है समझ में आ रहा है कि आज मतलब जो बाकी दिन है उसमें तो हम लोग को मतलब कुछ बोलने लायक मेरे पास जवाब ही नहीं है अच्छा। कितना हमको मिल सकता है आज जो मिला बहुत है कितना 11 बजने जा रहा है समझ आपको समझ में नहीं आ रहा है मन कर रहा है कि पढ़ते हैं हम लोग बहुत अच्छा लगा सर तो विक्की ये बताओ मेरे को कि आज देव सर के साथ प्रथम क्लास थी आपकी ईएमसी में देव सर आपको मिल नहीं पाए थे आज पहली क्लास थी कैसा एक्सपीरियंस रहा सर बहुत बहुत गुड आदमी है और उनका पढ़ाने का जो स्टाइल है सर बहुत अच्छा है स्टाइल जो अच्छा है और दिमाग सब तरफ उनका है कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो उनसे पूछ दे रहा है सट से करके तो उसको समझ में आ जा रहा है कन्फ्यूजिंग बोले कुछ रह नहीं रहा उनका अंदर कन्फ्यूजन कुछ नहीं उनके क्लास में कन्फ्यूजिंग बोले नहीं चाहिए पूरा सीखना ही आ जाएगा कुछ तरह सिखा रहे कि आपके दिमाग में ढुकेगा ही ढुकेगा वो बहुत गुड सर बहुत अच्छा लगा हमको ठीक है चलिए ऑल द बेस्ट मेरे साथ एक और स्टूडेंट है तो बताइए मेरे भाई कहाँ से हो आप अपना नाम बताइए मेरा नाम आशीष है मैं छिंदवाड़ा से एमपीसी हूँ आशीष छिंदवाड़ा से मध्य प्रदेश से छोटी सी जगह से हो आप और नज़दीक है जबलपुर के तो आशीष पहला दिन आपका कैसा लगा पहला दिन बहुत बढ़िया गया सर तुम कितने समय से काम कर रहे हो उस फील्ड में अभी 5-6 साल हो गए सर 5-6 साल हो गए तो आशीष 5-6 साल का एक्सपीरियंस और आज के एक्सपीरियंस बहुत जमीन आसमान का फर्क है एक ही दिन में फर्क पता चल गया सर फर्क पता चल गया किस लेवल पे हम इतने समय होने के बाद भी है ना तो आज देव सर के साथ आपकी पहली क्लास थी और प्रैक्टिकल क्लास में आपने सारा प्रैक्टिकल किया कंपोनेंट वगैरह सब सारे कंप्लीट है आपके मैं थर्मिस्टर का बोलूँ तो ढूंढ सकते हैं ढूंढ सकते बिल्कुल 5 मिनट बता सकते 5 मिनट बता सकते हैं चलिए ठीक है मेरे साथ एक और स्टूडेंट है सर मेरा नाम आशिक है मैं कश्मीर से हूँ हाँ जी बताइए आज पहला दिन सर एशिया टेलीकॉम में बहुत मज़ेदार रहा सर दिन का पता ही नहीं चला कैसे गुजरा अच्छा हाँ सर और देव सर के बारे में बता रहा हूँ सर वो रॉबोट है वो थकता ही नहीं है सुबह से लेकर जितनी बार उसे कहें उतनी बार बोलता है थकता ही नहीं है और मैं खुद परेशान हूँ कि उसकी एनर्जी एक आती कहाँ से है बहुत बढ़िया सर आज हमारी कला जो थी वो रिवाइंग से शुरू हुई थी और कंपोनेंट पे ख़त्म हुई तो अभी ख़त्म नहीं हुई कल से और कंपोनेंट की क्लास है अच्छा तो आज की जो नॉलेज है वो कंपोनेंट की थी और कल भी कंपोनेंट की होगी कल भी कंपोनेंट की होगी तो आज अभी जो प्रैक्टिकल क्लास थी प्रैक्टिकल का पूरा आपने डायग्नोज करा जी सर एक एक चीज को एक एक चीज तसल्ली से तसल्ली से मतलब ऐसा कोई जल्दीबाजी टीचर जल्दी में हो ना या कोई
ऐसा? नहीं सर, नहीं सर। पूरा पूरा टाइम दिया? पूरा टाइम दिया। और खाली आपकी बात करो पूरी क्लास की? ना पूरी क्लास की सर। पूरी क्लास? पूरी क्लास। ऐसा कोई बच्चा जो छूट गया हो? ना सर। डाउट्स पैदा हो? ना। कुछ भी नहीं? नो सर। अगर मैं थर्मिस्टर की बात करूँ तो वो टिपिकल काम है, पर बाकी आप कितनी देर में ढूंढ सकते? सर 2 से 5 मिनट तक। 2 से 5 मिनट में? यस सर। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मैं गुजरात से हूँ। हाँ जी। तरवी शंकर। तरवी शंकर बताइए मेरा भाई, पहले दिन की क्लास, कितने साल का अनुभव है आपको? मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ। 8 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। और आज का अनुभव बोलूँ तो? वो 8 साल में नहीं सीखा, वो 1-2 दिन में सीख गया सर। अभी कंपोनेंट के बारे में नॉलेज नहीं था, वो भी आज मिल गया। आईसी कभी निकाला नहीं था, फर्स्ट टाइम निकाला था। हाँ फर्स्ट टाइम आईसी पे हाथ ही नहीं हटता था मैं। अच्छा। हाथ भी नहीं लगा रहा था, आईसी का आया तो सीधा रिटर्न फोन। अब कर सकता है तो हमारा तो प्रोटोकॉल है, हमारा ये प्रोटोकॉल है। चौथे दिन अगर आपसे मोबाइल का सीपीयू नहीं लगा, हेलो यस सर, चौथे दिन आपसे मोबाइल का सीपीयू नहीं लगा तो तुम्हारी फीस तुम्हारे जेब में डाल के वापस पहुंचा देंगे। हेलो यस सर। क्या करेंगे? टिकट कंफर्म करा के घर भेज देंगे। टिकट कंफर्म करा के घर भेज देंगे। ये नौबत आएगी क्या? नो सर। बताओ मेरे को, नो सर। एक के साथ भी नौबत आएगी क्या? नो सर। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? सीखाने का यहाँ एशिया टेलीकॉम में तरीका ऐसा है कि कोई भी नहीं भी निकाला होगा वो भी पहली बार में कर सकता है सर। कर सकता है? हाँ सर। सर मेरा नाम बापी है, उड़ीसा से। बापी उड़ीसा से। सर यूट्यूब देख के जैसे एनर्जी मिला, सर को देख के उतना उससे डबल मिल गया। और मैं कभी सोचा नहीं था फर्स्ट दिन क्लास में सुबह आके मैं रिवॉल्व करना पड़ेगा मेरे को। अच्छा। फर्स्ट दिन ही रिवॉल्व कर दिया। फर्स्ट दिन रिवॉल्व करके हाँ। सर बहुत इंजॉय मिला, मैं सीख पाऊंगा। और 10 साल से बिजनेस कर रहा हूँ लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ मोबाइल से कुछ बन पाएंगे, मोबाइल बना पाएंगे, लेकिन एक दिन में कॉन्फिडेंस आ गया तो मोबाइल बन जाएगा। तो आप अभी कंपोनेंट के बारे में? जी सर। पूरा कंफर्म है कि नहीं? नहीं सर पूरा कंफर्म है। पूरा अगर मैं बोलूँ कि थर्मिस्टर ढूंढ के बता दो तो बापी कितनी देर में ढूंढ के बता? 2-3 मिनट के 4 मिनट 5 मिनट के अंदर निकल जाएगा। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, ललित। मेरा नाम है इमरान अली खान, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। इमरान, उड़ीसा से इतनी दूर से जबलपुर, क्या देख के आए थे, क्या किसको देख के आए थे, किसको सोच के आए थे, किसको समझ के आए थे? मैं पहले वीडियो देखता था यूट्यूब में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं दुकान से बंद करके जाऊँगा घर में यूट्यूब में देखूँगा वीडियो, यूट्यूब फेसबुक, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं एक लड़का से बात भी हुआ, मुझको एशिया टेलीकॉम का बच्चा लड़का है, तो बात जब हुआ तो मुझको अच्छा भरोसा लगा। मैं क्यों बाहर से? इम्तियाज से बात हुई थी तुम्हारी? इम्तियाज नहीं, वो चशा पहन के जो क्या नाम क्या भूल गए। हाँ। तो उनसे बात हुई तो भैया से बात होने के बाद में बोले कि जाओ देखो उधर, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो पैसा आपको 4 दिन में रिटर्न हो जाएगा सर, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बोला बाहर का जगह है कैसे क्या है, तो उनसे बात किया अच्छा लगा। वो बोले कि जाओ जाके देख के एक बार देख के आ जाओ, 4 दिन रह के आ जाओ, यदि अच्छा नहीं लगा तो आराम से। अच्छा चलो, ये तुम उनकी बात मान के आए और मैं आज तुमसे पूछता हूँ। जी जी। अगर कोई एशिया टेलीकॉम आए तो क्या 4 दिन बाद फीस रिटर्न लेके जाएगा क्या? नहीं, कभी नहीं सर। क्या हो सकता है? क्या तो जो चैलेंज करते हैं वो सही करते कि नहीं? एकदम एकदम सर, एकदम सर। यहाँ पर जैसे सिखाया जाता है कोई भी एक मैंने गधे को भी समझ में आ जाएगा, तो हम लोग तो ये गधे नहीं है सर। ठीक है। तो ओवरऑल कैसी रही क्लास आपकी? बहुत बढ़िया, देव सर के संग क्लास हुआ, बहुत अच्छा लगा क्लास। उनका जो क्लास है पूरा एक नॉर्मल मैंने छोटा से छोटा कंपोनेंट के बारे में वो आइडिया दे रहे थे, तो हम लोग इतना साल से सर काम कर रहे थे, हम लोग को वो चीज़ पता नहीं था, तो वो एक चीज़ में इतना ईजी से बता रहे थे, एग्जाम्पल दे रहे, तो कोई भी आदमी को समझ में आ गया, सबको जितना ही बच्चे थे क्लास में सबको समझ में आ गया। 2 कंपोनेंट को 5 घंटे पढ़ाया सर ने, तो क्या लेवल से पढ़ाया होगा मेरे भाई? वही तो चीज है, पेड लेवल, इंटरनल लेवल, क्या काम कैसा काम, कब निकलना है, कब जंपर लगाना है, कब इसको चेंज करना है, कब रिप्लेस करना है, इसकी जगह क्या हम सब्स्टिट्यूट दूसरा लगा सकते हैं, सारा चीज क्लियर है कि नहीं? जी सर, बहुत बढ़िया सर। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, जी नाम बताइए। सर मेरा नाम ललित प्रजापत, फ्रॉम राजस्थान। से भाई? राजस्थान जयपुर से सर। राजस्थान जयपुर से, बहुत दूर से, जयपुर में भी इंस्टीट्यूट है आपके? हाँ सर है, है ना। तो फिर जबलपुर? सर देखो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे कुछ अलग करना था, ये छोटे काम करने नहीं थे मुझे, मोबाइल लाइन में कुछ बड़ा करना था, तो मैंने ये भी नहीं सोचा था कि एशिया टेलीकॉम में ऐसा कुछ सिखाया जाएगा, मैंने इतना अंदाजा नहीं लगाया था। मैं तो ओनली 4 आया था यहाँ पे, यहाँ पे देखा तो मुझे देव सर ने इतना डीपली से समझाया कि बहुत कुछ समझ में आ चुका है अब तक। तो और आज की क्लास की बात करूँ तो कैसी होगी? आज की क्लास में सर एकदम
बढ़िया लगा। ऐसे कहने का मतलब है कि जो चीज़ आज उन्होंने समझाई ना वो एकदम ऐसे दिमाग में है कि भूल भी नहीं सकता कोई, भूल भी नहीं सकते। नहीं, चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, मेरा नाम श्री चल रहा है, मैं छत्तीसगढ़ से। अच्छा अच्छा, भाई ने भरोसा करके आपको पूछाया है जी। तो भाई का भरोसा ये अभी लाइव हो सकता है, तुम्हारे भाई लाइव देख रहे हो। ध्रुव नाम है ना उनका? धन्नु, धन्नु, धनंजय वर्मा, धनंजय वर्मा। और उन्होंने चूज किया एशिया टेलीकॉम, बहुत बढ़िया चूज किया भाई, बहुत बढ़िया चूज किया है। और यहाँ जो 11 साल से मैं काम किया हूँ अपने शॉप में, वो 11 साल में मेरे को आप 2 दिन में बहुत कुछ नॉलेज मिल गया। क्लास तो एक ही दिन की हुई ना आपकी, कल तो हमारा इंट्रो था, कल ये मुलाकात की हायर होती है हमारी, कल तो नॉलेज ही नहीं थी हमने, आज बहुत कुछ नॉलेज मिल गया। कल तो कल क्या थी हमारी, खाली बेसिक सिलेबस जिसमें केवल एक कम्युनिकेशन था जी सर, है ना, क्लास आज थी हमारी जी। कल भी सर बेसिक में बहुत कुछ मिला, कल नेट का सेक्शन मिला, ग्राफिक्स का सेक्शन मिला, बहुत कुछ जानकारी मिली जो पहले नहीं था मेरे को, आज बहुत कुछ मिली। तो क्या बोलना चाहेंगे आप एशिया टेलीकॉम और एशिया बहुत बढ़िया और देव सर, स्पेशली देव सर के बारे में जो आज उनकी प्रथम क्लास थी आपकी उनके साथ, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और क्या ही बोलूं, जितना बोलूं सब कम, सब कम। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू।